क्यों लोगों को आलिया भट्ट की चीजें पसंद नहीं हैं, जिन्हें आपको जानना चाहिए। पैदा होना किसी की पसंद या हाथ नहीं है। नेपोटिज्म, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी क्षेत्रों में प्रचलित है। बॉलीवुड कोई नई बात नहीं है, सौदा है। देखें, हर जगह कोई न कोई आपको नीचे खींचता है। यह आपका जीवन है, यह इष्टतम रहने के लिए आपका उत्साह है। मैं किसी दिन कम महसूस करूंगा और उन दिनों मैं अपने दोस्तों और माता पिता से बात करूंगा। हो सकता है सुशांत के पास यह विलासिता नहीं थी जो अंततः उन्हें पसंद की मौत की ओर धकेल दिया। आलिया भट्ट को गाली देने वाले लोग पाखंड के लोग हैं। इन लोगों ने आलिया भट्ट, सोनम कपूर, अर्जुन कपूर, जाह्नवी कपूर, रणबीर कपूर आदि सितारों को बनाया। सोशल मीडिया पर उन्हें अपमानजनक संख्या में पीछा किया गया। ये लोग हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया आदि के शो के लिए गए और ये 108 प्लस बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। ये लोग न्यूटन, अलीगढ़ और सुशांत, राजकुमार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी आदि की कई अन्य फिल्मों में असफल रहे, क्योंकि उन्हें कम आईक्यू व्यावसायिक सिनेमा पसंद है, जिसमें सलमान खान की सभी फिल्में भी शामिल हैं। इन लोगों ने सुशांत की उच्च बुद्धिमत्ता और ब्रह्मांड के प्रति प्रेम को स्वीकार नहीं किया और अब अचानक उन्हें एक दुखद नुकसान या व्यक्तिगत नुकसान की तरह महसूस हुआ। दूसरों पर अमल करते हुए अपने गुनाहों से गुजरना एक बुनियादी इंसानी फितरत है। आलिया भट्ट को सिर्फ इसलिए मार दिया जा रहा है क्योंकि वह महेश भट्ट की बेटी हैं, बल्कि सुशांत की मौत पर नकली भावनाएं दिखाने के लिए भी। यह बिंदु भी हमारे नियंत्रण में है कि अगर हम उनसे इतनी नफरत करते हैं तो इन लोगों का अनुसरण न करके ऐसी पोस्ट से बचे। हमारे प्रिय सुशांत को एक सच्ची श्रद्धांजलि यह होगी कि अभिनेता या लोग सामान्य रूप से उनकी प्रतिभा और बौद्धिकता के लिए स्वीकार किए जाते हैं। अभिनेताओं के बारे में बात करते हुए हम दर्शकों के रूप में बॉक्स ऑफिस नंबर हैं। हमें महान अभिनेताओं का समर्थन करना चाहिए, न कि महान चेहरे या महान संपत्ति।